मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोस प्रिपेरिंग फॉर फिजिक्स टीचर इंटरव्यू। आई होप लॉट मेनी क्वेश्चंस वुड बी देयर रिगार्डिंग फिजिक्स आल्सो एंड एनवीएस केवीएस रिलेटेड। टीचर्स विल डेफिनेटली बी फ्रूटफुल फ्रॉम दिस वीडियोस। सो सबसे पहले सोमवीर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, हाउ आर यू? फाइन सर। सोमवीर, आज हमारे साथ यहाँ पर मोनिका जी हैं, इनका केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री रिलेटेड जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आप अच्छे से जानते हैं। yes, और नेक्स्ट रेखा इज आल्सो गोइंग फॉर मैथमेटिक्स। ओके, यस सर। और आप चरखी दादरी से हैं? यस सर। ओके, तो ये भी इस इंटरव्यू में कंपनी करेंगे आप लोगों को। ओके सर, ओके। चलिए सोमवीर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है। सर, माई हॉबीज इज टीचिंग, सॉल्व न्यूमेरिकल एंड गार्डनिंग। ओके, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत पसंद करते हैं। यस सर। तो फिजिक्स में भी आप प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद करते हैं या थ्योरेटिकल पार्ट? बहुत सर। ओके, तो फिजिक्स आपने क्यों चुना, कोई स्पेशल रीजन? सर, फिजिक्स हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट है। ओके, फिजिक्स के विदाउट लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट फिजिक्स लाइफ नॉट पॉसिबल। कोई एग्जांपल के साथ बताएंगे? जैसे हम चलते हैं तो बेस होता है फोर्स के ऊपर, किस तरह से एक्शन रिएक्शन होता है, किस तरह से कोई मशीन जो हमारी वर्क करती है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस होती है। okay. हमारी आई है वो भी हमारे फिजिक्स के ऊपर बेस होती है। आई में लेंस होता है, आई लेंस होता है, डिफेक्ट होते हैं, वो सारे फिजिक्स बेस होते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? वो कहता है एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो नेवर कैंसिल ईच अदर। ओके, और ओम्स लॉ क्या कहता है? सर, ओम्स लॉ कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट फ्लो थ्रू इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस इट। ओके, टीचिंग प्रोफेशन में ही क्यों एंटर हुए आप? ऐसे सर, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन एंड बाय टीचिंग वी अचीव, वी लर्न मेनी थिंग्स, मेनी न्यू थिंग्स विद चाइल्ड। बिल्कुल, सो बेटर आइडियाज के लिए, बेटर नॉलेज के लिए आई सिलेक्ट टीचिंग। ओके, यस रेखा मैडम। सर, न्यूटन ने 3 लॉज दिए। यस मैम, तो इनके पीछे क्या लॉजिक है कि उसने 3 लॉ क्यों दिए, क्या एक से काम नहीं चला? सर मैडम, न्यूटन से एक्चुअल में उनको कुछ पता ही नहीं था, वो बाय एक्सीडेंट उसे ये लॉ डेवलप हुए थे। तीनों लॉ सिग्निफिकेंस है मैडम, कि जैसे फर्स्ट लॉ ने उसने यही बताया, इसने इस लॉ से उन्होंने फोर्स को एक्सप्लेन किया था कि फोर्स है क्या। ये लॉ सिर्फ फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ नहीं है। मोमेंटम पर भी कुछ बताया सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम फोर्स नहीं लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो बॉडी अपनी स्टेट नहीं बदलती है, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। yes. तो कहता है जब बॉडी मूव करती है ना, वो अपनी स्टेट नहीं बदल रही है। यदि बॉडी रेस्ट में है तो रिमेन रेस्ट एंड मूव, देन कंटिन्यू मूव इन स्ट्रेट लाइन अनलेस वी कैन नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स जब फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। ओके, एंड सेकंड लास्ट स्टेट दैट कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। yes. कितना मोमेंटम हम चेंज करते हैं किसी गिवन टाइम में वो डिपेंड करता है फोर्स कितना अप्लाई किया है। और थर्ड लॉ बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, कि जैसे हम एक्शन करते हैं तो रिएक्शन होगी, जस्ट अपोजिट होती है। तो ये तीनों डिफाइन करते हैं, फर्स्ट डिफाइन करता है कि फोर्स ना लगाएं तो क्या होगा, और फोर्थ सेकंड लॉ है वो फोर्स रिलेशन बता रहा है और उसकी परिभाषा बता रहा है, और थर्ड लॉ है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो दोनों ही चीजें को ला एक्सप्लेन करते हैं। यस मैडम। सर, हम जैसे किसी सॉलिड बॉडी को पुश कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सर, जब बॉडी को हम टच करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फोर्स को हम डिफाइन करते हैं मेनी वेज से, जैसे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बेसिस के ऊपर। तो ये जो कॉन्टैक्ट हम बॉडी को टच करते हैं, किसी भी सॉलिड बॉडी है, किसी भी बॉडी को हम टच करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, हम जो अप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है जो चार्ज डिपेंडेंट होता है, तो फोर्स वेरियस टाइप के होते हैं। और जब हम किसी को पुश करते हैं वहाँ पे सिंगल फोर्स एक्ट नहीं करता, फोर्स पेयर में एक्ट करते हैं और काफी फोर्स एक्ट करते हैं। ओके, मोनिका मैडम। सर, थर्मोडायनेमिक को हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी। यस मैम। तो उसकी जरूरत क्या पड़ी दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग देने की, क्या डिफरेंस है? देखिए मैडम, थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करते हैं कि हीट के द्वारा पावर को जनरेट करते हैं। मीन्स थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है पावर, यानी जब हीट से हम पावर जनरेट करते हैं। और इसी के द्वारा, क्योंकि केमिस्ट्री कभी ये नहीं डेवलप करती कि हीट इंजन क्या है, स्टीम इंजन क्या है, तो वो इंजन डेवलप किया है फिजिक्स के अंदर, तो इसलिए फिजिक्स उसको रिलेट करता है साइंटिफिक वे में। जब केमिस्ट्री इसको स्टडी करा रही है केमिकल रिएक्शन के द्वारा कि केमिकली उसमें क्या चेंज आ रहे हैं, और हम उस पर पढ़ रहे हैं फिजिकली चेंजेस के बारे में कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे कोई चीज़ काम कर रही है, कैसे हीट मूव कर रही है। चलिए, आपको बच्चों को रिलेटिविटी फॉर्मूला बताना है, अच्छे समझाना है उनको, तो क्या कैसे समझाएंगे? एक्सक्यूज मी सर, क्या कह रहे हैं? रिलेटिविटी फॉर्मूला। रिलेटिविटी फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यस सर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि हम किसके किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, वो होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी चीज़ को रिलेट करना, क्यों फ्रेम हमारा रेस्ट में है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि कोई बॉडी है ना किसी भी फ्रेम के अंदर देखते हैं तो अलग अलग पोजिशन में हो सकती है। क्योंकि न्यूटन्स लॉ जो वैलिड होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम के लिए होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम एक सुडो फोर्स एक इमेजिन करते हैं, जो काल्पनिक फोर्स होता है जो उस मोशन के अपोजिट लगता है। चलिए, आप एनवीएस में क्यों टीचर बनना चाहते हैं?
सर एनवीएस से वो फोर्स करता है कल्चर के ऊपर, आइडियाज उसके अंदर डिफरेंट एरियाज के स्टूडेंट आते हैं, तो उनसे हमें डिफरेंट कल्चर को सीखने का मौका मिलता है। वहाँ पे टैलेंटेड रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए मैं एनवीएस जाना चाहता हूँ। ओके, और आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितने हैं? सर मेरी ग्रेजुएशन के अंदर परसेंटेज थी 63% एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे 80% है सर। ओके, अगर आपको मैं बोलूँ फिजिक्स के अलावा आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट तो वो कौन सा होगा? सर मैथमेटिक्स है सर। मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है टॉपिक? सर मैथमेटिक्स के अंदर मुझे लगभग सिंपली 10th तक मुझे सभी अच्छे लगते हैं, प्लस वन प्लस टू भी अच्छा लगता है, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है मैं उसको समझा सकता हूँ कि इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जो मैथ वाले वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जितना हम फिजिक्स वाले कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्योंकि फिजिक्स इंटीग्रेशन का अर्थ नहीं बता पाएगा, पर हम बताते हैं इंटीग्रेशन का अर्थ वास्तव में होता क्या है, डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है। सर इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ना, चीजों को ऐड करना। ऐड करने का ही दो तरीके होते हैं कि कोई चीज हमारे पास स्मॉल अमाउंट में होती है तो उसका हम समेशन करते हैं सम करते हैं, लेकिन वो यदि वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर होती है तो हम वहां उसका क्या करते हैं समेशन, और यदि कंटिन्यूस फॉर्म में होती है तो हम उसे करते हैं इंटीग्रेशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन एंड इंटीग्रेशन। यस रेखा मैडम, फ्रॉम योर क्वेश्चन साइड आप बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है? डिफरेंशिएशन का होता है पार्ट डिवाइड इन पार्ट, स्मॉल पार्ट में तोड़ने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के द्वारा हम मैडम कैलकुलेट करते हैं एरिया, किसी भी चीज का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि फोर्स और टाइम के अंदर मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है तो उस ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं उसके अंदर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मोमेंटम तभी कैलकुलेट होगा जब हमें उसका एरिया हमें नोन होगा, और एरिया होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमें सर हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना हुआ स्टेट है। ओके, और ये पंजाब स्टेट से अलग हुआ था, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर है, नॉर्थन रीजन के अंदर है सर, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2,53,00,000 है। ओके, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग काफ़ी इंडिया में आपके जो प्लेस है हरियाणा चरखी दादरी वहाँ से काफ़ी दूरी पर हो जाती है, और आप सर्वाइव करने का तरीका क्या रखेंगे आप? सर एक्चुअल में मैं और मेरी वाइफ दोनों का ही हम एनवीएस दे रहे हैं, तो हो सकता है दोनों का सिलेक्शन हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सर मैं रेडी हूँ हर जगह जाने के लिए। ओके, नहीं मान लीजिए आपको अकेले जाना है किसी जगह पर तो आप कैसे मैनेज कैसे करेंगे? सर उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो अपनी जगह टीचिंग कर रहे हैं, मैं अपनी टीचिंग कर रहा हूँ, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूंगा, वो भी अपने एडजस्ट कर सकती है उस सिचुएशन में। आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी नॉर्दर्न ईस्ट या इस तरीके से जाते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब तंग करेगी? सर मैं हर चीज को सीखने में बिलीव करता हूँ। अच्छा, मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं इजीली सीख सकता हूँ। ओके, हम अपनी लैंग्वेज में काम करके सीख लूंगा, उसका हैबिचुअल बन जाऊंगा सर। ओके वेरी गुड, आपके नाम का मीनिंग क्या होता है? सर माई नेम मीनिंग इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ओके, तो आप अपने नेम के अनुरूप मानते हैं अपने आप को? हाँ सर, आई थिंक। ओके, दैट्स व्हाई यू हैव क्रैक्ड द बेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, दैट इज एनवीएस। यस सर, गिव इट अप, माय ब्लेसिंग्स टू यू। ओके, थैंक यू सर, टू यू, थैंक यू।